हेलो एंड वेलकम टू वन एकेडमी, लेट्स क्रैक इट। माय नेम इज शीना और आज आपको के लिए ये वोकैबुलरी का सेशन फिर से। आई होप आप सारे लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। दिस लेक्चर फाइंड्स यू इन रियली गुड हेल्थ एंड होप। सो टुडे वी बिगिन विद दिस सेशन वंस अगेन। ये मेरे बारे में छोटा सा ब्रीफ अगर आपको जानना है कि मैं कौन हूँ और क्या मेरा करियर ट्रैक है। वन एकेडमी पर 30 से ज़्यादा बैचेस हर मंथ शुरू हुए हैं। हाल फिलहाल जो बैचेस शुरू हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। एक है हमारे पास एक्सेलरेटर बैच फॉर SBI PO 2022। ये सारे बैचेस में आपको मिलता है फुल सिलेबस कवरेज, टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री, अनलिमिटेड एक्सेस टू टेस्ट, मॉक टेस्ट, डेडिकेटेड क्लियरिंग एटसेट्रा, राइट। अच्छा, और यू नो हमारा प्राइस राइज अब तो हो चुका है। आपको बहुत बार पहले वॉर्न किया गया कि प्राइस राइज होने वाला है, आप लोग सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। सो अब तो प्राइस राइज हो चुका, 15th April वॉज द लास्ट डेट फॉर सब्सक्राइबिंग टू, बट एनी वे मतलब एट द रिड्यूस प्राइस। अभी कॉम्बैट के बारे में सुनिए। कॉम्बैट का मतलब है मुकाबला। ये मुकाबला होता है हर संडे को सुबह 10 बजे लाइव एंड्रॉयड ऐप और वेब पर। लेकिन जो 24th April को होने वाला है वो महा मुकाबला है, अल्ट्रा कॉम्बैट है। इट्स लाइक दिस विल बी योर एक्शन प्लान टू क्रैक बैंक एंड SSC एग्जाम, समथिंग वेरी बिग इज कमिंग योर वे। सो एनरोल टूडे, यूज द कोड SHIA10 एनरोल because this is going to be a really big test and you must all enroll in order to know where you stand, right? अच्छा, एक आस्क अ डाउट चैलेंज भी है। आस्क अ डाउट में क्या होता है कि आप लोग आप हमसे अपने लाखों डाउट्स पूछ सकते हो एक टाइम पे, लेकिन 3 चलते हैं। आपको जवाब आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज में मिलते हैं और अगर आपको जवाब पसंद नहीं आता तो यू कैन रिक्वेस्ट अ रिव्यू, फिर हम आपको अपडेटेड सोल्यूशन। आजकल जो चल रहा है वो है आस्क अ डाउट चैलेंज। इसमें क्या होगा, आपको अमेजोन गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे। अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ डाउट्स पूछते हो तो आपको अमेजोन गिफ्ट वाउचर देते हैं। ये आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, एंड्रॉयड अनअकैडमी ऐप पर जाओगे या वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पे आस्क अ डाउट पर क्लिक करिएगा। उसके बाद डाउट्स और सॉल्यूशंस सेक्शन पर जाकर मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलिड डाउट्स जो लोग अपलोड करेंगे, ऐसे टॉप 100 लर्नर्स को हम लोग अमेजोन गिफ्ट वाउचर्स दे रहे हैं वर्थ 250। ये ऑफर वैलिड है 11th April से 17th April तक। आज लास्ट डेट है, जल्दी से आप लोग अपने जितने वैलिड डाउट्स हैं पूछ लीजिए। जो बंदा अपने मैक्सिमम डाउट्स पूछेगा वो भी लॉजिकल और वैलिड, उसको यू नो हम लोग अमेजोन गिफ्ट वाउचर्स दे रहे हैं। सो आस्क अ डाउट नाउ एवरीवन। अच्छा, ये हमारे प्लस के फीचर्स हैं और ये हमारे आइकॉनिक के फीचर्स हैं। प्लस के अलावा आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलेंगे। ये हमारे आइकॉनिक के फीचर्स हैं, ठीक है जी। दोनों का प्राइस टैग क्या है, 2 ईयर का प्लान 325 पर मंथ पर, 1 ईयर का 542 पर मंथ। ये तो प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान, और आइकॉनिक में 2 ईयर का प्लान 80 पर मंथ, 1 ईयर का 650। द कोड दैट यू नीड टू यूज इज SHIA10, प्रोसीड टू पे यूजिंग दिस कोड विल गिव डिस्काउंट ऑफ 10%। ओके, और आस्क अ डाउट फीचर के बारे में तो बता ही दिया। आस्क अ डाउट फीचर अलग चीज़ है, चैलेंज अलग चीज़ है। चैलेंज चल रहा है, आज लास्ट डेट है, मैक्सिमम डाउट्स पूछ लीजिए जल्दी से। रेज अ हैंड फीचर के चलते आप लोग अपने फेवरेट एजुकेटर से लाइव क्लास में बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, इट इज मच बेटर देन ऑफलाइन। अगर आपको हमारे वीडियोस में कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नजर आते हैं तो आप उसको रिपोर्ट करिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बग्स बाउंटी प्रोग्राम मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके अपना रिपोर्ट आप हमें टाइम स्टैम्प के साथ लिख के भेज दीजिए। और अगर आपका रिपोर्ट हमें जेन्युइन लगता है, यू स्टैंड अ चांस टू विन सम रियली एक्साइटिंग। सो ऑल सेट पीपल, शुरू करें फिर आज का सेशन। या ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। या चले जी, मैं अभी ये सेशन शुरू कर रही हूँ। पहले जस्ट लेट मी यू नो टेक अ लुक।
ओके हाई रॉयल मोटिवेशन कोट्स रामराज चौधरी एंजल प्रेम एंड डीएल कोटले सुषमा मैजिक वर्ल्ड अजय एंड एवरीवन सो आई वेलकम यू टू द सेशन लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वोकैबुलरी पार्ट पहला वर्ड है बेलिफ अभी बेलिफ कौन होता है ये वो लॉ ऑफिसर होता है जो आपकी प्रॉपर्टी को कलेक्ट करने आते हैं अगर आप अपना कर्ज नहीं दे पाए आपने देखा है ना नीलामी होते हुए मूवीज में तो देखा होगा अगर रियल लाइफ में नहीं देखा तो जब ये बड़े बड़े लोग अपना कर्जा नहीं चुका पाते तो एक बैंक ऑफिसर आता है या कोई भी मैनेजर ऑफ एन एस्टेट आता है एक ऑफिशियल आता है हु कीप्स ऑर्डर इन द कोर्ट जो इन लोगों की प्रॉपर्टी को कलेक्ट करता है जो लोग अपना कर्जा नहीं चुका पाए ऐसे ऑफिसर्स को आप कहते हो बेलिफ राइट आपका बेल हो जाता अगर आपने इतना कर्जा नहीं लिया होता तो राइट सो बेलिफ इज समवन हु कलेक्ट्स योर प्रॉपर्टी व्हेन यू कुड नॉट पे योर डेब्ट्स अपना कर्जा ना चुका पाने पर जब आपकी प्रॉपर्टी जब्त होती है तो जो लॉ ऑफिसर उसको जब्त करने आता है उसको हम बेलिफ कहते हैं सेकेंड वर्ड है ये चाइल्ड का सिनोनिम लिखना है आपने यहाँ पे ये बच्चा है बच्चे का सिनोनिम लिखना है बच्चे का सिनोनिम क्या होता है बार्न बार्न या बार्ड क्या होता है जल्दी बताइए बच्चे का सिनोनिम मतलब आज के बाद आप चाइल्ड को चाइल्ड ना बोल के कुछ और बोल सकते हैं वो क्या होगा Come on, everyone. Yeah, would it be a barn or would it be a bard? Yeah, that will be a barn. B-A-I-R-N. Barn का मतलब होता है बच्चा तो अगली बार आपको बच्चा बोलना हो तो आप child ना बोल के क्या बोलिए barn. उसके लिए बड़ा मुश्किल था किसी यू नो barn को healthy और growing देखना क्योंकि उसके खुद के पास कोई baby नहीं था it was quite hard for her to see somebody else's barn growing healthy and happy ठीक है जी चलिए बरोक बरोक का मतलब होता है देखो बरोक को ना हिंदी वाले बारीक से याद करो जब कोई बहुत बारीकी से बनाया हुआ डिजाइन होता है अब वो आर्किटेक्चर में कह लो इमारतों में कह लो पेंटिंग में कह लो म्यूजिक में कह लो आर्ट में कह लो जिसमें बहुत इलेबोरेट स्टाइल होता है उसको आप कहते हो बरोक जो प्रेजेंट चर्च है वो बारोक है स्टाइल में लेकिन उसमें कुछ काम है पिछले अर्लियर पीरियड्स का सो बारोक का मतलब होता है समथिंग दैट हैज गॉट इलेबोरेट स्टाइल समथिंग दैट इज वेरी फैशनेबल पीस ऑफ आर्ट बारीकी से डिजाइन इंट्रिकेटली सिडनी ओपेरा हाउस सिडनी हमारा ताजमहल राइट ये सब क्या है ये बारीकी से डिजाइन किए हुए आर्किटेक्चरल पीसेज हैं तो आप इनको बरोक बुलाइए कोई म्यूजिक का पीस हो यू नो कोई पेंटिंग हो कोई आर्ट हो तो ये सारी चीजें जो अपने ही स्टाइल में फैशनेबल है वो बरोक है पिट्रॉज का मतलब होता है एंगेज्ड अगली बार जब आपका दोस्त की एंगेजमेंट हो जाए तो कहना कंग्रेचुलेशंस ऑन यू गेटिंग बिट्रॉज्ड बिट्रॉज्ड एक नया वर्ड है एंगेजमेंट के लिए जब आप किसी से शादी करने का प्रॉमिस करते हो उससे एंगेज होके तो आप उसे बिट्रॉज्ड कह सकते हो ठीक है जी उसके फादर और मदर रूम में आए और बिट्रॉज्ड कपल को अपनी ब्लेसिंग दी बिट्रॉज्ड कपल क्या मतलब हुआ एंगेज्ड कपल ठीक है आगे बढ़े अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने करना है देखिए जो चीज बहुत फाउल है गंदी है अभद्र है यू नो जिसमें गाली गंदी भाषा का इस्तेमाल गंदी वल्गर गाली यू नो फाउल लैंग्वेज का अगर आप यूज कर रहे हो फाउल बातें कर रहे हो तो आप इसको क्या बोलोगे इसको हम पता क्या बोलते हैं इसको भरना था आपने मैं ही भर देती हूँ बिलिंग्स गेट कहते हैं हम इसे क्या कहते हैं बिलिंग्स गेट मान लीजिए बिल गेट्स ने जो सोशल मीडिया का ट्रेंड शुरू किया फिर हाँ तो आप उसको बोल सकते हो कि ये प्लेटफॉर्म्स किस लिए बन गए अब कंस्ट्रक्टिव से ज्यादा यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बातें होती हैं तो बिलिंग्स गेट क्या नेक्स्ट इज फ्लैटरी और कोएक्सिंग अगर किसी की चापलूसी कर रहे हैं आप तो इसको हम कहते हैं ब्लैंडिशमेंट किसी की चापलूसी करना इसे फ्लैटरी और कोएक्सिंग कहते हैं फ्लैटरी कोएक्सिंग या फिर ब्लैंडिशमेंट नेक्स्ट पर आइए जो बंदा अल्कोहलिक लीकर को एडिक्टेड होता है जो बंदा बहुत अल्कोहल पीता है
उसको क्या बोलेंगे, बिबुलस, ठीक है। एडिक्टेड टू अल्कोहलिक लीकर, अगर आपको शराब पीने का बहुत शौक है, आप एडिक्टेड हो लीकर को, तो आप बिबुलस हो। क्या हो? BIBULVU, बिबुलस, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रो फोर्थ, आगे बढ़ना, इंक्रीज। इंक्रीज होने को हम कहते हैं बर्जियोनिंग, बर्जियोन। इसको ऐसे याद करना, ये वर्ड बहुत पॉपुलर है, काफी आता है एग्जाम्स में। बर्जियोन का मतलब होता है बढ़ते चले जाना। टू गो, ग्रो फोर्थ, टू इंक्रीज, ओके। नाउ पायरेट, पायरेट का मतलब होता है लुटेरे। ये पायरेट्स ऑफ कैरेबियन आपने सुना होगा, और कैरेबियन के स्पेशली जो लुटेरे होते हैं उनको बखानिया बोला जाता है, BUCCANER, बुखानिया, राइट। ये होता है लुटेरे, समुद्री लुटेरों को आप बोलते हो बुकानिया। स्पेशली जो कैरिबियन सी के लुटेरे थे ना, उनको बुलाया गया बुकानिया। ठीक है जी, आई होप ये सारे वर्ड्स आपको क्लियर हैं। अगर हाँ तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन थ्रू अ थम्स अप। कम ऑन, कम ऑन एवरीवन। ऑल राइट, सो अंडरस्टूड दिस? सो थैंक्स फॉर एक्नॉलेजिंग, विल गो अहेड। चलिए, यहाँ पर ना आठ पिक्चर्स हैं और आठ ही शब्द लिखे हुए हैं। देखिए, आठ वर्ड्स हैं और इन आठ शब्दों को आपने आठ पिक्चर्स से मैच करना है। ये है पिक्चर ए, ये है पिक्चर बी, ये पिक्चर सी, ये पिक्चर डी, ये पिक्चर ई, पिक्चर एफ, पिक्चर जी और ये पिक्चर एच। चलिए जल्दी से बताइए, इन सारे शब्दों का आप किन पिक्चरों से मैच करोगे? हाँ जी शुभम, ये क्लास हर उस जगह के लिए जहां पे इंग्लिश आती है। ऑलराइट, चलिए पहला वर्ड है आप लोग के सामने कारापेस। कारापेस का मतलब होता है, देखिए, जब आप खुद को एक प्रोटेक्टिव शेल से कवर करते हैं, जब आप अपने ऊपर एक रक्षा कवच पहन के रखते हैं, इसको हम कहते हैं कारापेस। जैसे मान लीजिए कुछ लोग ना अंदर से बड़े सॉफ्ट होते हैं, दिल उनका बड़ा जो कोर होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, और जो बाहरी चादर वो पहन के रखते हैं वो होती है रूडनेस की, यू नो, अग्रेशन की। तो ये लोग अपने सॉफ्ट कोर को प्रोटेक्ट करते हैं इस रूडनेस के कारापेस। कारापेस का क्या मतलब हुआ? अ प्रोटेक्टिव शेल, अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। ऑल राइट पीपल, दैट्स कारापेस। ऑल राइट एवरीवन, चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे, कैंटेंकरस। इसको ना ऐसे याद करना, अच्छा पहले वाले को कार का अगर पेस, पेस का मतलब होता है स्पीड, कार का अगर इतना स्पीड आपको बढ़ाना है तो आपको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग चाहिए होगी। अपनी गाड़ी में ऐसे ऐसी एक्सेसरीज लगाइए कि तेज स्पीड से आपकी गाड़ी डैमेज ना हो, राइट। सो कारापेस लगवा लीजिए, ठीक है जी। कैंटेंकरस, ये जो आप लेडी देख रहे हैं यहाँ पे, ये वुमन, ये कैंटेंकरस है। टैंक का मतलब तो आप सारे लोग समझते हैं। मान लीजिए जो लोग टैंक लेके खड़े हो जाते हैं, बहुत लड़ाकू होते हैं, क्वारलसम, दो मिनट से पहले आपका कॉलर पकड़ ले। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, दो मिनट से पहले अपना टेम्पर लूज कर देते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या बुलाओगे? कैंटेंकरस, बहुत क्वारलसम, लड़ाकू, ठीक है। थर्ड पे आइए, कार्ट ब्लांच। ये जो आपको दिख रहा है कार्ट ब्लांच, इसका मतलब होता है बिल्कुल फ्रीडम जब आपको मिलती है। जैसे ही आपका जीवन एक खाली पेज है और आपके पास कार्ट ब्लांच है कि आप उस खाली जीवन के पन्ने पे कुछ भी लिखिए, तो कार्ट ब्लांच का मतलब होता है फ्रीडम या लिबर्टी, दैट्स कार्ट ब्लांच। काफी बार आ चुका है ये वर्ड, RCs में आ जाता है, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। कैटेक्लिज्म बहुत पॉपुलर है SSC में, बैंक्स में, MBAs में। कैटेक्लिज्म का मतलब होता है जलजला, तबाही, राइट। कैटेक्लिज्म डिजास्टर को बोलते हो आप, कैटेक्लिज्म, ठीक है जी। डिजास्टर, तबाही, जलजला, दैट्स कैटेक्लिज्म। ऑल राइट एवरीवन, या लेट्स गो अहेड। डिजास्टर, तबाही, इसको आप कैटेक्लिज्म कहते हो। जलजला, जैसे केदारनाथ फ्लड्स के बारे में आपने सुना है, दैट वॉज नथिंग बट अ कैटेक्लिज्म, डिजास्टर। चलो आगे बढ़े, कंपंक्शन। कंपंक्शन का मतलब होता है गिल्ट ना। ये जो पिक्चर है ना, गिल्ट वाली, मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं जब आपको बहुत
हिंदी में क्या बोलते हैं गिल्ट को? पछतावा, ठीक है। कम फंक्शन का मतलब होता है पछतावा। अभी इसको ऐसे याद करो, अगर आप कम फंक्शन करोगे, जैसे आज पूरा दिन संडे था, आप लोग लेजी हो जाते हो, कम फंक्शन करते हो, और रात में जब सोते हुए होता है, अरे मैंने पूरा दिन वेस्ट कर दिया, पढ़ाई नहीं की, तो आपको क्या हो रहा है? कम फंक्शन हो रहा है। कम फंक्शन का मतलब गिल्ट। तो अगर आप कम फंक्शन करते हो किसी दिन, तो आपको क्या होने लगता है? कम फंक्शन होने लगता है, ठीक है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो, ऑल राइट। या कम पंक्चुएशन का यूज करोगे तो भी कई बार कम फंक्शन हो जाता है। कम फंक्शन का मतलब है पछतावा, गिल्ट, ऑल राइट पीपल। चले जी, कॉजिटेट। कॉजिटेट का मतलब होता है, देखिए ये बहुत ज्यादा अगर आप सोचते हैं, बहुत डीपली सोचते हैं, बहुत चिंता में रहते हैं, बहुत ज्यादा सोचना, कॉजिटेट, या इसको र्यूमिनेट भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? कॉजिटेट भी कहते हैं इसको और र्यूमिनेट भी कहते हैं। कॉजिटेट और र्यूमिनेट, ठीक है। इसका मतलब देखो मैं ऐसे लिख देती हूँ, र्यूमिनेट, क्या? अब बहुत ज्यादा सोचना, कॉजिटेट करना, ठीक है जी। र्यूमिनेट या कॉजिटेट, दिस मीन्स टू थिंक डीपली। सेवेंथ पे आइए, सेवेंथ क्या बोला है आपको? कमेस्टिबल्स। कमेस्टिबल्स ये है, कम ऑन द टेबल्स, कम ऑन द टेबल्स, क्या चीज बुला रहे हो टेबल पे? कमेस्टिबल्स होता है आपका फूड, आपका खाना, आपका फूड, यू नो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, यू नो, ड्रिंक्स, जो भी खाना है, फूड को आप बोलते हो कमेस्टिबल्स। कम कम, हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज को बुलाते हैं? कम कम, कम ऑन द टेबल, क्या चीज कम ऑन द टेबल? दैट्स कमेस्टिबल्स, दिस मीन्स फूड, ओके। आप में से कितने लोग बहुत फूडी हैं, जस्ट कांट लिव विदाउट फूड, मतलब आप खाने के लिए ही जीते हैं, आप जीने के लिए नहीं खाते हैं, खाने के लिए ही जीते हैं। आई बिलोंग टू अ पंजाबी बैकग्राउंड, मेरे घर में सारे लोग ही वो खाने के लिए जीते, सो कमेस्टिबल्स। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कमेस्टिबल्स के लिए जीते हैं? कमेस्टिबल्स मीन्स फूड, एवरीवन। ओके, हाय व्लादिमीर पुतिन। नहीं दुर्गेश, आज अन अकेडमी का क्लास नहीं है, या ओके, अनिल आर्या, इफ यू विश टू कॉन्टैक्ट मी, यू कैन ओके अजय, ओके अनिल आर्या, यू कैन कनेक्ट विद अस ओवर टेलीग्राम और एल्स यू कैन फॉलो अस ऑन अनअकैडमी, ठीक है, ओके। टिंकू कुमार, वैसे इस क्लास का टाइमिंग है सुबह 9:30 बजे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े, कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है टू लिंक टुगेदर, चीजों को जोड़ जोड़ के पढ़ना। अच्छा, आपने कैटिनेशन सुना होगा, अगर आप सारे लोगों ने साइंस पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें एक प्रोसेस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है जब आप कार्बन चेन, कार्बन एटम्स को जोड़ जोड़ के चेन बनाते जाते हो, दैट्स कैटिनेशन। मैं एक रफ आइडिया दे रही हूँ, मेरी साइंस बहुत अच्छी नहीं है, राइट। कैटिनेशन पर पता है कि ये कार्बन एटम्स को जोड़ना होता था, तो कॉनकैटिनेट का मतलब है लिंक टुगेदर, टू लिंक टुगेदर, जिसको हम कहते हैं कॉनकैटिनेशन, राइट। मैं 8 वर्ड्स को रिवाइज करा देती हूँ। कारापेस का मतलब होता है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। कैंटैंकरस का मतलब होता है लड़ाकू इंसान, ये महिला कैंटैंकरस है। कार्ट ब्लांच इज द फ्रीडम और लिबर्टी टू डू समथिंग। कैटाक्लिज्म इज द डिजास्टर। कंपंक्शन का मतलब है पछतावा। कॉजिटेट इज टू र्यूमिनेट और टू थिंक डीप। कमेस्टिबल्स मीन्स फूड एंड कॉनकैटिनेशन का मतलब है टू लिंक टुगेदर, ऑल राइट पीपल। ये 8 वर्ड्स, 8 ब्लैंक्स हैं, और अभी अभी ये जो आपने पिक्चर के थ्रू 8 वर्ड्स पढ़े हैं ना, इन 8 वर्ड्स को जरा फिल कर दीजिए इन्हीं ब्लैंक्स में। कम ऑन एवरीवन, अपना टाइम लीजिए, सेंटेंस का मतलब समझिए, और शब्दों का मतलब तो अब आपको पता ही है, तो आप लोग मुझे बताएंगे कि यहाँ पे आप क्या भर सकते हैं। कम ऑन एवरीवन,
अंडर हर सेल्फ कॉन्फिडेंस शी वॉज वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म. क्रिटिसिज्म मतलब होता है निंदा. कुछ लोग निंदा को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनको उनकी निंदा बहुत ज्यादा चुभ जाती है. लेकिन बाहरी कवच किसका पहन रखा है? सेल्फ कॉन्फिडेंस का. तो ये बाहरी रक्षा कवच, प्रोटेक्टिव शेल, इसको आप क्या कहते हो? खरपेस. अभी पढ़ा था पीछे, ही कैन बी अ डैश ओल्ड फॉसिल एट टाइम. वो सड़ा हुआ बुढ़ा बोल रहे हैं ये किसी को. और बुढ़े होते होते ना बंदे का पेशेंस खो जाता है, बंदा लड़ने ज्यादा लगता है. हमारे साथ भी यही होने वाला है. अभी हम लोगों में पेशेंस की कमी है. बुढ़े होते होते तो हम क्या बन जाएंगे? कैंटेंकरस, लड़ाकू, ओल्ड फॉसिल एट टाइम्स. ठीक है जी. सो कैंटेंकरस का मतलब लड़ाकू. शी हैज नो डैश अबाउट रिजेक्टिंग द प्लान. उसने प्लान को रिजेक्ट कर दिया और उसको कोई डैश भी नहीं है उसको लेके. मतलब कोई पछतावा भी नहीं है प्लान रिजेक्ट करने का. और पछतावे को आप क्या बोलते हो? कंपंक्शन. ठीक है जी. उसको डैश दिया गया अपने रूम को डेकोरेट करने का जैसा वो चाहती थी. शायद ये अनवाइज डिसीजन था उसके पेरेंट्स के द्वारा, राइट. उसको क्या दिया गया था? अपने रूम को डेकोरेट करने का जैसा वो चाहती थी. उसको डैश दिया गया अपना रूम डेकोरेट करने के लिए. उसको क्या दिया गया? जैसा वो चाहती थी. उसको पूरा फ्रीडम दिया गया अपने रूम को डेकोरेट करने का. लेकिन ये उसके पेरेंट्स का एक अनवाइज डिसीजन था. और फ्रीडम को आप क्या कहते हो? कार्ट ब्लांच. प्रॉब्लम ये है कि जो मेन्यू है, ये जो होटल का रेस्टोरेंट का मेन्यू है, इट इज नो लॉन्गर अ गाइड टू द फूड का गाइड नहीं है अब ये. मतलब इसमें जो मेन्यू में लिखा हुआ है वो सब आउट, मतलब इनके पास है ही नहीं शायद. तो कमेस्टेबल्स इज फूड. स्टूडेंट ने एयर और प्लेन के को जोड़ के क्या बना दिया? एयरप्लेन बना दिया. तो स्टूडेंट्स कॉनकैटेनेशन, लिंकिंग टुगेदर ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, इसे कहते हैं कॉनकैटेनेशन. उसने अपनी बियर को स्ट्रोक किया और फिर वो सोचने के लिए बैठ गया. जनरली मेन डू दैट, राइट. ये लोग क्या करते हैं? माय फादर आल्सो डज दैट ना. जनरली अपने बियर्ड को स्ट्रोक करते करते ही इज इनटू सम डीप थॉट्स. सो ही स्ट्रोक्ड हिज बियर्ड एंड रिटायर्ड टू कॉजिटेट. कॉजिटेट का मतलब होता है थिंक डीपली. अभी पीछे ही तो बताया है ये, राइट, या रूमिनेट भी कह सकते हो. द डैश ऑफ 9/11. 9/11 का जो कैटाक्लिज्म था, तबाही, डिजास्टर, जलजला, या तो 9/11 का क्या है? डिजास्टर है, कैटाक्लिज्म कहिए उसको. हो गए आठों वर्ड्स फिल. तो ये था आपके आठ वर्ड. सीख के प्रैक्टिस भी करनी होती है, तो आप इसी तरीके से सेंटेंसेस बना के देख सकते हो जो भी आप नए वर्ड सीखते हो उन पर. ठीक है जी. अंडरस्टूड दिस एवरीबडी अप टिल हियर? चलिए मैं आपसे कुछ वर्ड्स की मीनिंग पूछने जा रही हूँ. पहला वर्ड है गॉजमर. गॉजमर का मतलब आप में से किसी को पता है तो बताइए, नहीं पता तो फिर मैं आपको मीनिंग बताती हूँ. चेतन, आई एम वेरी सॉरी टू कीप यू वेटिंग. चेतन हाँ जी, कल सुबह 9:30 बजे क्लास होगी. मुझे माफ करें जो मैं आज नहीं पढ़ा पाई सुबह, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी. मैं कल सुबह पक्का 9:30 बजे जरूर क्लास होगी. ठीक है, आई विल स्टार्ट द क्लास डेफिनेटली एंड आई एम वेरी सॉरी टू कीप यू वेटिंग. चलो, गॉजमर का मतलब होता है बहुत ही सॉफ्ट, लाइट और डेलिकेट मटीरियल, बहुत ही नाजुक सा, उसे आप बोलते हो गॉजमर. अब जैसे आपने मकड़ी का वेब देखा होगा, स्पाइडर का वेब देखा है, ये जो जाला बुनती है मकड़ी, कितनी रादर जो जो स्पाइडर एक लिक्विड एक्सक्रीट करता है ना, एक लिक्विड निकालता है जिसकी वजह जिसके चलते ये अपना जाल बुनता है, राइट, जिससे वो जाल बुना जाता है. तो उसी लिक्विड को ही लोग गॉजमर कहते हैं और उस गॉजमर से बनता है इनका वेब, इनका जाला. और जाले को छू के देखो कितना डेलिकेट है. तो कोई भी नाजुक सी चीज है अगर, राइट, कोई फैब्रिक है, कोई कपड़े का फैब्रिक बहुत नाजुक सा है तो वो गॉजमर है. मकड़ी का जाला बहुत नाजुक सा होता है. कोई कोई बहुत सारे लोग होते, छोटे बच्चे कितने नाजुक होते हैं, राइट, गॉजमर बुलाइए आप उन्हें. वेरी सॉफ्ट, लाइट, डेलिकेट सा मटीरियल, आप उसको बुलाइए गॉजमर. इट कैन बी यूज्ड फॉर लिटिल किड्स, छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे से ना डेलिकेट होते हैं कितने,
मासूम से, सिर्फ दिखने में ही नहीं, बाहरी तौर पे नहीं, किसी का दिल भी बड़ा नाजुक सा है, डेलिकेट सा है, तो आप उसको भी गॉसिमर, ठीक है? सो गॉसिमर हैज एवरीथिंग टू डू विद डेलिकेसी, ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। हबीलीमेंट, कभी हबीलीमेंट वर्ड सुना है तो ठीक है, नहीं सुना तो मैं इसका मीनिंग बताती हूँ। देखिए हबीलीमेंट का मतलब होता है कपड़े, क्लोदिंग, ठीक है? अगली बार से ना कपड़े मत बोलना, ये मत बोला मैं कपड़े लेने जा रहा हूँ, दिवाली आ रही है, नहीं, बोलेगा मैं हबीलीमेंट लेने जा रहा हूँ। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, ओ हबीबी के कपड़े, राइट, हबीबी के कपड़े कितने प्यारे हैं, राइट, हबीबी, ओके, सो हबीलीमेंट इज कपड़े, राइट। मेरी सिस्टर से बिल्कुल अलग, मेरी सिस्टर फैशन की परवाह करती है और अपनी सिस्टर से बिल्कुल अलग मेरे जो हबीलीमेंट होते हैं वो हमेशा कम्फर्ट ढूंढते हैं, मतलब मैं हमेशा कंफर्ट ढूंढती हूँ अपने हबीलीमेंट्स में। हबीलीमेंट का मतलब है कपड़े, तो अगली बार क्लोदिंग नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हबीलीमेंट, ठीक है जी। अच्छा, पुराने जमाने में जो लेबर क्लास के कपड़े होते थे, हबीलीमेंट होता था, वो कम मोल के लगते थे, कम पैसे के लगते थे, कंपेयर टू दैट ऑफ नोबल्स। अब जैसे ये वाली देखिए नोबल क्लास लग रही है, ये थोड़ी मिडिल क्लास लग रही है, राइट, और ये भी मिडिल क्लास लग रही है, ये पीजेंट्री लग रही है, ठीक है। तो इन लोगों के हबीलीमेंट्स देखिए और फिर आप इन लोगों के हबीलीमेंट्स देखिए, फर्क है ना दोनों के हबीलीमेंट्स में, अमीरी गरीबी का जो फर्क होता है वो सबसे ज्यादा कपड़े से पता चलता है, ठीक है। मैं लिटरल अमीरी गरीबी बता रही हूँ, वैसे तो दिल से बहुत लोगों को गरीब देखते हैं हम, अमीर बहुत होते हैं। चले आगे बढ़े, थोड़ी सी फिलोसफी होगी साथ में, सो दिस इज इट, ठीक है। आज के लिए इतना ही डोज, एक दिन में 7-8 शब्द, 10 शब्द मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं पढ़ने का, लेकिन जो भी पढ़ने का बहुत अच्छे से उसको बहुत फोकस्ड होके पढ़ना है, ठीक है जी। सो हबीलीमेंट आपके कपड़े हैं, गॉसिमर बहुत ही नाजुक से मटेरियल है, और ये 8 शब्द तो मैंने आपको बता ही दिए, यू कैन रिवाइज इट अगेन। ये 5 शब्द और, 5 और 8 कितना हो गया, मेरी मैथ्स बहुत कमजोर है, 9, 10, 11, 12, 13 हो गए, 14 और 15, 15 वर्ड्स तो यहाँ तक हो गए, 16, 17, 18, 19, तो लगभग 20 शब्द हम लोगों ने आज किए हैं। आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे, नहीं समझ में आए तो एक बार आप रिकॉर्डेड सेशन दोबारा देखिएगा, और मेरा यकीन मानिए ये सारे वर्ड्स मैं ऐसे ही लाती हूँ जो आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे, ये बहुत अच्छी वोकैबुलरी है और आपको हर पेपर में काम आएगी, प्लीज ट्रस्ट मी, राइट, एंड प्लीज बी इन टच विद दीज क्लासेस, आपका इससे वोकैब डेवलपमेंट जरूर होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके लगभग 1,500 सब्सक्राइबर्स हैं, आप भी इसको सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को ग्रो करने में मदद करिए। इसके अलावा मैं आपको बहुत अच्छी सी एक चीज बताती हूँ, देखिए स्पेशल क्लास होती है मेरी एक, राइट, स्पेशल क्लास का माने होता है फ्री में लाइव सेशन, ये चलती है अनअकैडमी लर्नर ऐप पर। मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, इस लिंक के थ्रू आप मेरी प्रोफाइल तक जब पहुंचेंगे, बैंक एग्जाम की कैटेगरी में मैं पढ़ाती हूँ, मेरा नाम है शीना अरोरा, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो करिए और आपको मेरी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हर शाम को 7 बजे मेरी फ्री में लाइव सेशन होता है, यू नो 7 PM, सो सारे लोग आया करें, आज नहीं हो रहा है वो सेशन, कल से वो रेगुलर रहता है। और अगर आपको पेड कोर्स देखना है, पेड कोर्स में दोपहर को 1 बजे अनअकैडमी पर ही पैराजिम्बल्स की क्लास चल रही है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो हर बच्चे का दुखती नर्व्स होती है, बैंक एग्जाम में स्पेशली पैराजिम्बल बच्चा नहीं कर पाता है। सो या यू कैन कम ओवर देयर एंड यू नो यू कैन यूज दिस पेड प्लेटफॉर्म, और पे करने के लिए आप लोग को ये कोड यूज करना है Shia10 एंड यू कैन यू नो अवेल दीज क्लासेस। So that is what I had to tell you. नहीं सोनी म्यूजिक, वो सुबह ही होगी क्लास, ठीक है, कल से, और कल से ये वाली जो क्लास होगी वो सुबह 9:30 ही होगी, ठीक है जी। सो थैंक यू पीपल, अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, और जिस भी ग्रुप में आप लोग एडेड हैं उसमें शेयर जरूर करिएगा। या सो थैंक यू सो मच फॉर पेइंग मी एन अटेंटिव ईयर, अपना अपना ध्यान रखिए, हैव अ गुड इवनिंग। कल सुबह यही क्लास वाईफाई स्टडी 2.0 पर चलेगी 9:30, ठीक है, आना नहीं भूलना है, ओके okay?